पता नहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ यार, भयानक एक्सीडेंट सा रखा है ऐसा है। सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और आज हम लेके जा रहे हैं इसको दोबारा से सर्विस सेंटर। और यहाँ से धुआं निकलने लगा था, इसमें मिट्टी चिपक गई और कुछ डस्ट वगैरह थी वो चिपक गई थी, तो यहाँ से धुआं निकलने लगा था। तो इस बेचारे की जान निकल गई, क्या बाइक में आग लग गई। मैंने कहा आग नहीं लगी है, उसमें मिट्टी क्या कहते हैं चेक किया हमने, तो उसमें मिट्टी वगैरह लगी थी, कुछ पत्ते वगैरह लगे थे सूखे, तो वो सूख गए। और जैसे अब बाइक का साइलेंसर गर्म हुआ तो उसमें से धुआं तो भाई निकलना ही निकलना है। मुझे हो गया था 1 घंटा बाइक चला चलाते, और मेरे जूतों का हाल अभी दिखाता हूँ क्या हो रखा है। देख रहे हो जूतों का हाल कुछ ऐसा है, इतना पानी भर गया था जूतों में। और सो गाइस निकल गए थे, अब सर्विस सेंटर जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और बारिश तो पड़ ही रही है, देखो हर जगह पानी, और क्या ही बोले, मतलब बारिश ने मतलब बहुत ज़्यादा। और आपको मेरी गाइस आवाज़ भी भारी लग रही होगी, तो ये मैं बता दूं कि ये आवाज़ भारी हो रखी है क्योंकि जुकाम रखा और गला बंद है मेरा, और फिर भी बारिश में निकल गए हम आज ब्लॉगिंग करने। तो देखते हैं चलो क्या होता है, वहाँ कुछ पता नहीं हमारा। और ये हमारा लास्ट इसमें खर्चा है, इसके बाद हम सीधा निकलेंगे किसी टूर पे ही। का जो आज हम जा रहे हैं ना गाइस, सेंसर कराने जा रहे हैं, क्योंकि सेंसर के बिना हमें इसका एवरेज नहीं पता लग रहा भाई। बस सेंसर की ही दिक्कत है इसमें, और उसके बिना हमें एवरेज नहीं पता लग रहा, ना हमें स्पीड पता लगती है, आरपीएम कितना है। तो यही बस सोच रहे हैं कि बस 500-700 रुपये का जो खर्चा और है वो अपनी जेब से दे के और इसको करा लें, क्योंकि ना तो हमें इसका एवरेज पता लग रहा है जब से हमने ये ली है। हमें लग रहा है ठीक ठाक एवरेज है, बट एक्चुअल में क्या है वो हमें पता होना चाहिए ना, जिससे कि हम अपना रूट अपना बजट बना के निकल सकें कहीं। अच्छा इन बाइकों में ये डिस्क गीले होने के बाद आवाज़ नहीं आती चें चें करके ना, उन बाइकों में रहती है, मेरी वाली बाइक में आती है आवाज़ गाइस। और इन इसमें क्या कहते हैं वो भी नहीं चिपकते ब्रेक शू, उसमें ब्रेक शू गीले होने के बाद चिपकने लगते हैं, आवाज़ आती है चें 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 करके, और हल्का सा ब्रेक लगाओ तुरंत ब्रेक लग जाता है। सेंसर चेंज कराना है, क्या खर्चा आ जाएगा इसका? सेंसर चेंज कराना है इसका, क्या? मीटर मीटर सेंसर, मीटर सेंसर। हाँ हम चलते हैं अंदर, और वैसे ही दोबारा मेरे जूतों में पानी भर चुके हैं वापस। सेंटर का व्यू है यहाँ पर सर्विस, तो ही हमारी यहीं से सेंसर चेंज होगा अगर होगा। सर सेंटर वाले भी तक सेंसर ढूंढने में लग रहे हैं, कह रहे हैं अगर होगा तो, मतलब चेक कर रहे हैं अपने रिकॉर्ड में कि, तो वहाँ तो सेंसर हमें मिला नहीं। ठीक है वो कह रहे हैं कि सेंसर आप मंगा लो 2-4 दिन में आ जाएगा, तो हमारे स्टॉक में तो है नहीं। तो अब हम वहाँ से निकल के यहीं पर पड़पड़गंज में दूसरा सर्विस सेंटर है यहाँ का, या वहाँ का ही है, तो हम वहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर आए हैं शिवम गए पता करने, देखते हैं मिल जाए तो ठीक है, डलवा के फिर चल देंगे यहाँ से। अभी सोच रहे थे कि करोल बाग भी चले जाएं, बट बारिश बहुत ज़्यादा है यार, और करोल बाग जाना और जाम भी है, कुछ भी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर कैंसिल कर दिया हमने। सो गाइस फ़ोन में बैटरी बची है 13%, और टाइम क्या हो रहा है 3 बज रहे हैं, 13% बैटरी बची है, पता नहीं कब तक चलेगा। आज ना तो पावर बैंक लेके आए साथ में, कुछ भी कैरी करके नहीं लाए, क्योंकि सुबह पता ही नहीं था कि आज ब्लॉग शूट करना है, अभी मूड ही नहीं था, मतलब तबीयत को देखते हुए बरसात को देखते हुए। बट फिर हमने कहा चलो इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या है, ये चेक कर रहे हैं। उस टाइम पर लाइट बंद हो जाती है? नहीं लाइट नहीं बंद होती, बीच में एक बार हुआ था, मतलब लाइट तो बंद नहीं हो रही वैसे, नहीं सर्विसिंग कराई थी तब बीच में एक दिन के लिए बंद हो गई थी। हाँ ये चेक इंजन लाइट, क्या ये वाली लाइट? हाँ हाँ चेक इंजन लाइट तो बंद हो गई थी सर्विस के बाद, ये कभी चल जाती है कभी बंद हो जाती है, ऐसे ही रहता है इसका। देखना एक्सीडेंटल केस इस टाइप से भी होते हैं, और ये पता नहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ यार, भयानक एक्सीडेंट सा रखा है भाई, पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई है। तो भाई बता रहा है इस पर ट्रक चढ़ गया था, देख रहे हो, मैं सोच रहा हूँ बंदा कह रहा है कि बेड रेस्ट पे है, नहीं तो ख़त्म ही थी है। तो भाई ख़त्म ही हो,
मुझे लगा था बंदा खत्म हो गया, लेकिन कह रहा है कि नहीं बच गया वो बेड रेस्ट पे। चलो बोलो, चाय पीते हैं, एक एक चाय पीते हैं फिर चलते हैं फिर आगे पूरे। तो ये आ गई अपनी चाय और चाय पी जा रही है। लंबे रूट पे ना दिक्कत नहीं करेगा। हम आ गए थे यहाँ पर, ये हैं कोई मधुबिहार में सरदार जी फेमस, तो इनके पास आ गए थे। इनके पास देखते हैं स्पेयर पार्ट मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारी किस्मत ख़राब है। तो यहाँ में वैसे सेंसर तो मिला नहीं, लेकिन हमने यहाँ से ऑर्डर ज़रूर कर दिया, तो दो चार दिन में मिल जाएगा सेंसर, हम बाहर से लगवा लेंगे। तो हमारा वहाँ 2000 रुपये खर्चा था, यहाँ हमारा 500 में हो जाएगा काम। तो अब चल रहे हैं, हमें निकलना था हरिद्वार, आगे का प्लान कर रहे थे, तो वो तो आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, उसका बैग ले आते हैं कल्याणपुर जाके, उसके बाद फिर चलेंगे घर सीधा। वहाँ से निकले दुकान से, अब आ गए हम बैग लेने। यहाँ देखते हैं एक बैग, बाइक खड़ी कर दी वहाँ पर, यहाँ से देखेंगे बैग। ये है दुकान बैग की, ये भी होलसेल है, ये भी होलसेल है, देख ले। ये और ज़्यादा हैवी है, इस टाइप के बैग शूम सही रहेंगे वैसे भी। आपको कौन सी लगेगा? ये तीन ही है वैसे, सही बताऊँ तो तीनों ही मुझे तो सही लग रहे हैं। ये लद्दाख की ट्रिप मारेगा इससे, कहाँ की ट्रिप मारेगा, लद्दाख है? सही लग रहा है यार वैसे, सही बताऊँ अच्छा लग रहा है ऐसे। फाइनल कर दिया हमने जो देख रहे थे ब्लू वाला, यही अच्छा लगा हमें, क्योंकि ये बड़ा भी था, और मतलब वो था कि 100-200 रुपये के चक्कर में एक अच्छी चीज़ छोड़ दो, तो हमने कहा चलो इन्वेस्ट कर लेते हैं और आगे। अच्छी लड़की देख के दहेज नहीं मांग रहे, तो ये तो बैग है भाई, पैसा देख के फिर बैठने से। थर्सडे को हमारा टूर है, ठीक है, हो सके जितने ज़्यादा लोग हो, ठीक है, इस वीडियो को शेयर करो और मिलते हैं थर्सडे को, जो आपको ब्लॉग मिल जाएगा आपका फ्राइडे सैटरडे तक आ जाएगा। और इसको छोड़ते हैं घर, उसके बाद वहाँ से अपनी धन नोट आते हैं फिर निकलते हैं घर, सीधा मिलूंगा मैं आपको। तो हम आ गए शिवम के घर, शिवम को छोड़ दिया, शिवम की बाइक पे खड़ी, ठीक है, बाइक केरी, इसको लेके अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं और फिर मिलूंगा आपको मैं घर सीधा। तो हम आ चुके हैं घर, ले रहे हैं लेट के हैं यहाँ पर, ये सब टीवी में लग रहे हैं, देखो कैसे टीवी देखा जा रहा है, एकदम से मौज ले रहे हैं पूरी, बारिश की मौज आ रही नहीं आ रही है। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।